नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी कपास की फसल में कॉटन बॉल बॉम, जैसे हम लोग पिंक बॉल बॉम या स्पॉटेड बॉल बॉम के नाम से भी जानते हैं, या हिंदी में इसे सिंपली लैंग्वेज में कपास की इल्ली कहते हैं। तो दोस्तों, कपास की इल्ली ने यदि आपकी कपास की फसल में हमला किया है, आतंक दिखाया है, तो आप कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जितनी भी दवाएं हम यूज कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा। यानी कि अगर इनिशियल स्टेज में हमारे खेत में कॉटन बॉल बॉम यानी कि कपास की इल्ली का हमला हुआ है, तो हम उसे इनिशियल यानी कि शुरुआती समय में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जब सीवियर कंडीशन में अटैक किया है इसने, तो सीवियर कंडीशन में हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआती दौर में जब हमारे पौधे की जो स्टेज होती है वेजिटेटिव वाली यानी कि बढ़वार वाली स्टेज होती है, जब हमारे पौधे बनते हैं, अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है उनकी, तो उस समय भी यह हमला करती है। उस समय ये हमारे पौधों के स्टेम वगैरह को नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, आप शुरुआती दौर में क्या करेंगे वो आप जान लीजिए। तो शुरुआती जो स्टेज है हमारी, जब इसका हमला नहीं हुआ है या फिर होने वाला है, तो उस समय आप अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप्स, एक एकड़ में कम से कम 12 से 15 फेरोमोन ट्रैप्स जरूर लगा दीजिए। इन ट्रैप्स से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के कीट ने हमला किया है। आप तो भरोसे बैठे थे कि भैया इल्ली ने हमला किया है तो इल्ली को मारेंगे, और कोई और ही अगर पेस्ट है, कीट है, हमला कर रहा है, तो आप उसे कैसे मैनेज करोगे। तो इसीलिए फेरोमोन ट्रैप्स जो हैं हमें आइडेंटिफाई करा देते हैं कि इस प्रकार के कीट ने हमला किया है और इस कीट ने हमला किया है, तो हम डायरेक्टली उसी कीट को मैनेज करने के लिए जो हमारे केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुरुआती दौर में आप क्विनाइल फॉस 25% ईसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विनाइल फॉस बहुत अच्छी दवा है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो क्विनाइल फॉस है आपको कहाँ देखने को मिलेगी ये और जान लीजिए। ये जो दवा है आपको धानुका के धानु लक्स में देखने को मिलेगी, 25% ईसी फॉर्मेट में आता है, और सुमिटोमो के कैमलॉक्स में देखने को मिलेगी। क्विनाइल फॉस आपकी धानु लक्स और कैमलॉक्स, ये जो दवाएं हैं मार्केट में धानुका और सुमिटोमो की, इनके अंतर्गत देखने को मिलती है। और इसकी डोज आपको रखनी है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, ठीक 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसकी डोज आपको लगानी है। इसके बाद हमारा एक और केमिकल है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआती दौर में, जब कम हमला हुआ है तब। तो देखिए, यहाँ दूसरा केमिकल रहेगा एमाबैक्टिन बेंजोएट 5% SG। ये जो 5% SG वाला एमाबैक्टिन बेंजोएट है, इसकी डोज आपको लेनी है 8 ग्राम लेनी है आपको प्रति पंप के हिसाब से, यानी कि 1 ग्राम 2 लीटर पानी के लिए, ठीक है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये हमें मार्केट में मिलेगी इफ़्को का एक प्रोडक्ट है हमारा एगेओ, EZAO एगेओ प्रोडक्ट जो है इफ़्को का, वहाँ देखने को मिलेगी, या धानुका के EM1 में देखने को मिलेगी। तो धानुका का आप EM1 ले सकते हैं, इफ़्को का एगेओ ले सकते हैं, दोनों के अंतर्गत आपको एमाबैक्टिन बेंजोएट देखने को मिलेगी, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआती दौर में। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, फेरोमोन ट्रैप्स जरूर लगाइए, देन क्विनाइल फॉस का इस्तेमाल कीजिए। क्विनाइल फॉस आपको शुरुआती दौर में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। यदि सीवियर कंडीशन में आपके खेत में अटैक किया है इस पेस्ट ने, तो फिर कोई भी दवा हो भैया नहीं असर दिखाती है, ठीक है। फिर तो हम हाईटेक दवा जो जहरीली दवा आती है उसका इस्तेमाल करना होता है, ठीक। तो देखिए, इसके बाद अगर सीवियर कंडीशन में भी अटैक किया है, आपके खेत में आ चुकी है, तो आप उसे भी कैसे रोकेंगे, तो उसके लिए भी जान लीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए आप ले सकते हैं सेनेट्रेनिलिप्रोल 16.9% प्लस, इसमें आपको एक केमिकल और मिलेगा ल्यूफेन न्यूरॉन 16.9%। ये जो दोनों केमिकल हैं SC फॉर्मेट में आते हैं, जो कि हमें सेजेंटा के मिनेक्टो एक्स्ट्रा में देखने को मिलते हैं। सेजेंटा का मिनेक्टो एक्स्ट्रा है, यहाँ हमें ये दोनों ही केमिकल देखने को मिलते हैं, और दोनों ही केमिकल का एक कंपोजिशन बहुत अच्छा कंपोजिशन जो है सेजेंटा ने बनाया है, और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें हमारे जो कॉटन की फसल है उसके अंतर्गत दिखाता है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी डोज जो रहती है वो रहती है 20 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 200 लीटर पानी में आपको 20 ml दवा को घोल लेना है। देन आप अगर बड़ी पंप से स्प्रे करना चाहते हैं तो बड़ी से कर सकते हैं, छोटी से करना चाहते हैं तो छोटी से आप 200 लीटर पानी में से अपनी पंप को भर करके स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि आपको 20 ml जो दवा है अपनी 200 लीटर पानी में घोल लेनी है एक साथ। इसके बाद एक और केमिकल है पायरीप्रोक्सीफेन प्लस फैनप्रो पैथरिन, ये दोनों टेक्निकल जो हैं बहुत अच्छे टेक्निकल हैं। पायरीप्रोक्सीफेन 5% प्लस फैनप्रो
पैथरिन 15% ईसी, ये दोनों के दोनों केमिकल हमें सुमिटोमो के सुमिप्रेम्प्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि किसी भी प्रकार की आपकी इल्ली हो, चाहे बैगन में हो, भिंडी में हो, कॉटन में हो, किसी में हो भैया, सभी में असर दिखाती है और असरकारक है। इसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। और इसकी डोज जो रहेगी वह रहेगी 25 ml प्रति पंप के हिसाब से, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15-16 लीटर वाली जो पंप आती है उसमें 25 ml दवा डाल के आपको स्प्रे करना है। इसके बाद हमारे पास कुछ और दवाएं हैं, जैसे कि हमारे पास एक और टेक्निकल है प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईजी फॉर्मेट में जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में प्रोफेक्स करके, सूटर करके आते हैं कुछ प्रोडक्ट, तो इनमें देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। चाहे भिंडी हो, बैगन हो, या आपका कपास हो, किसी भी प्रकार की फसल हो, सभी में असरदारक रहती है ये प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का जो भी टेक्निकल कॉम्बिनेशन है इनका। इसके बाद एक और हमारे पास केमिकल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है एम्प्लाइगो। एम्प्लाइगो जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत जो केमिकल होते हैं वो होते हैं हमारे क्लोरोट्रेनिलिप्रोल 10% प्लस लैम्ब्रा साइहेलोथ्रिन, यानी कि यहाँ आपका प्रेजेंट होता है क्लोरोट्रेनिलिप्रोल 10% प्लस लैम्ब्रा साइहेलोथ्रिन। ये दोनों टेक्निकल हैं, बहुत ही अच्छे टेक्निकल हैं, और आपको जो क्लोरोट्रेनिलिप्रोल है ये तो पहले से ही देखा हुआ है, आपका पहचाना हुआ है, जो कि आपको कोराजन के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इस एम्प्लाइगो के अंतर्गत यहाँ लैम्ब्रा साइहेलोथ्रिन और ऐड कर दिया है, जिससे इसकी जो मोड ऑफ एक्शन है या असर दिखाने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसकी जो डोज रहती है वो 8-10 ml प्रति पंप के हिसाब से रहती है, तो आप 10 ml प्रति पंप से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टेक्निकल मैंने बताए हैं, इनका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने खेत के अंतर्गत कॉटन में लगने वाले बॉल बॉम को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो पिंक बॉल बॉम हो, स्पॉटेड बॉल बॉम हो, या कोई अन्य हो। देखिए दोस्तों, ये जो दवाएं मैंने आपको बताई हैं, इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, कब करना है, वो और जान लीजिए। इनका इस्तेमाल करने के लिए आपको करना क्या है, शाम के समय का चुनाव करना है। ऐसे समय का चुनाव कीजिए कि उस समय वर्षा वगैरह ना हो, मौसम ठंडा हो, ठीक है, और आपने जब खेत में दवा लगाई है उससे 2-3 घंटे तक पानी ना पड़े, वर्षा ना हो, तो ऐसे समय का चुनाव कीजिएगा। देन इसमें आपको 2-3 चीज़ें और ऐड करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो हमारा सब वाइट फ्लाई होती है, वाइट फ्लाई को मारने के लिए एसेटामेप्रिड या इमिडाक्लोप्रिड, दोनों में से कोई भी एक टेक्निकल ले लीजिएगा। अगर आपके क्वार्टर में वाइट फ्लाई है तो आप उसे भी ऐड कर लीजिएगा, आपका एक ही स्प्रे में काम हो जाएगा। देन आपको यहाँ एक और चीज़ है हमारी, वो है हमारा स्टिकर, सिलिकन बेस्ड जो स्टिकर या स्प्रेडर होते हैं वो, तो स्प्रेडर ज़रूर डाल लीजिएगा। इससे आसानी से जो दवा है हमारे पत्तियों पर, जो पौधे की पत्तियाँ हैं उन पर स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, और बहुत अच्छा हमें रिजल्ट दिखाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो ये जो मैंने केमिकल्स बताए हैं, दवा बताई हैं, जैसे कि मैंने कौन कौन सी बताई है, मैंने आपको एमाबैक्टिन बेंजोएट बताया है, और कोनेलफॉस बताया था, फेरोमोन ट्रैप्स बताए थे, और सैजेंटा की मिनेक्टोएस्ट्रा बताई थी, और सुमिटोमो की सुमिप्रेम्प्ट बताई थी, और यहाँ पर मैंने आपको प्रोफेक्स, सूटर या एम्प्लाइगो भी बताई थी। तो आप इनका इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि रिजल्ट ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं अपने खेत में इन चीज़ों को उपयोग करने के बाद में, कोई इश्यू नहीं है हमें डिसलाइक से। लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रही हो, आपके काम की हो, आपके कंट्रोल मिल रहा हो आपके कॉटन की फसल के अंतर्गत, तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और भैया, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, प्रश्न भेजक आप हमसे पूछ सकते हैं।